तुमको कुछ अच्छा देखने का मन कर रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं तुमको दो सजेशन देने वाला हूँ जो तुम चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मूवी की जो कि आज रिलीज हुई है, विद्युत जामवाल की IB71। ये मूवी एक स्पाय एस्पियोनेज थ्रिलर है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स 1971 के, जिसके अंदर पाकिस्तान चाइना से मिलकर प्लान बना रहा है इंडिया के ऊपर अटैक करने का, और 10 दिन में वो लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं प्लेन के थ्रू। ये खबर जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चलता है तो एक इंडियन एजेंट के ऊपर जिम्मेदारी है इस चीज को रोकने की, और ये चीज इस मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है इसकी स्टोरी। ट्रेलर इसका देखने के बाद मैं कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि अपने यहाँ पे कई सारी ऐसी मूवीज बन चुकी हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, जहाँ पे एक इंडियन स्पाई को पाकिस्तान के खिलाफ सीक्रेट में चीजें करनी पड़ती ताकि इंडिया बच सके। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मूवी की स्टोरी भी वही पैटर्न फॉलो करेगी, जो कि कुछ हद तक करती भी है, लेकिन इसके अंदर जो अपने को ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जैसे जैसे टाइप के सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं ना, वो कुछ नेल बाइटिंग जरूर है, तुम अपनी सांसें थाम के बैठोगे कि भाई होने क्या वाला है। लेकिन अगर वहीं पे इस मूवी के अंदर एक्टिंग परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें, या तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, क्योंकि लीड एक्टर विद्युत जामवाल को ले लो, अच्छी बात है कि वो बस फुल ऑन मारा मारी, 4 बार उल्टा कूद के 4 लोगों को मारना, खिड़की में से कूद जाना, तुमको बताया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी मूवीज के बदले पिछली जो कुछ मूवीज रही है उनमें उनके एक्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, जो कि उन्होंने इस IB71 मूवी के अंदर ठीक ठाक कर लिया है। बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाओगे ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब विशाल जेठवा को मैंने देखा तो मेरे होप्स हाई हो गए थे कि हाँ कुछ अच्छा देखने मिलेगा। जब तक वो स्क्रीन पे थोड़े बहुत रफ ही सही लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर एक पॉइंट के बाद पिक्चर से गायब हो जाते हैं। डायलॉग्स के डब में इश्यूज भी मैंने कहीं कहीं नोटिस किए, और इस मूवी का जो ओवरऑल VFX है अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज किया और वो परफेक्ट नहीं है। कई सीन्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन और जो 3D एलिमेंट वो लोग यूज कर रहे हैं पिक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऑनेस्टली आजकल जो हम लोग बड़े से बड़े स्केल वाले बजट की पिक्चरों के अंदर देख रहे हैं, क्या क्वालिटी दिख रही है VFX CGI की। IB71 मूवी से मैं एक्चुअल इंप्रेस हो गया हूं। इंटरनेट के ऊपर इसका बजट कुछ 30 करोड़ कोट किया जा रहा है। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पे लॉजिकल क्वेश्चन सामने आने लगते हैं, लेकिन ये मूवी एक बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि ऐसी पिक्चरों के अंदर तुम जो देखते हैं वो 100% ट्रू नहीं होता, तो इसलिए इस मूवी को एक एक्सपीरियंस समझ के देखने में तो अच्छा खासा टाइम निकल सकता है। मास्टरपीस ये डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर तुमको एंटरटेनमेंट के लिए एक गुड इनफ मूवी देखनी है तो ये हुक करके रखेगी। बहुत ज्यादा सुपर हार्ड दिमाग लगा के जज नहीं करते हो पिक्चरों को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एंगल है वो तुमको देखना काफी ज्यादा पसंद है, तो IB71 को थिएटर्स के अंदर एक चांस दे सकते हो अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे थ्रिलिंग वाले सीक्वेंस हैं जो देखने में मजा आया। लेकिन यहाँ पे बाबू भैया हमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, थिएटर में जाके पैसा देना ही नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे एक वेब सीरीज चेकआउट कर सकते हो जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी। मुझे देखने में 1 हफ्ता निकल चुका और मैंने अभी तक उसको पूरा देखा नहीं है। 4 से 5 ही एपिसोड चेकआउट किए लेकिन वो काफी ज्यादा सॉलिड। वेब सीरीज का नाम है सास बहू और फ्लमिंगो। राजस्थान के किसी एकदम रिमोट लोकेशन पे छोटा सा बिजनेस चलता है, पाब्लो एस्कोबार वाला, समझ रहे हो। ये बिजनेस चलाता कौन है, घर की मुखिया प्लेड बाय डिंपल कपाड़िया, उनकी 2 बहुएं और 1 बेटी मिलके। घर के जो बेटे हैं उनको कुछ अंदाजा ही नहीं, काफी ज्यादा मारकाट, काफी ज्यादा गाली गलौज और काफी सारे फनी वाले सीक्वेंस देखने मिल जाएंगे। मतलब कि वेब सीरीज 18+ है तो इसको एक वार्निंग समझ लेना कोने में बैठ के देखने के लिए, ठीक, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्चुअल में टाइम खाली है तो इसको चेकआउट कर लेना, बिकॉज जो मैंने इसका सेटअप बताया वो एक गिमिक तुमको लग रहा होगा, लेकिन उस चीज को शो ने काफी एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जिसकी वजह से मजेदार सीन्स बन जाते हैं। बेसिकली औरतें छुप छुप के नशा बना रही हैं, उनका एक गैंग है, टाइम आए तो तलवार और गोलियां सब चला लेती हैं। जिस पॉइंट तक मैंने इसको देखा है काफी इंटरेस्टिंग मोड पे आके रुक चुकी है, तो मैं आगे चेकआउट करने वाला हूं। इसीलिए तुम शो का फाइनल वर्डिक्ट मत समझ लेना, एक रिकमेंडेशन है। जो मैंने पहले 4-5 एपिसोड देखे वो काफी अच्छे लगे तो तुमको भी बता रहा हूं। ऐसे ही और मजेदार वाली चीजों के रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर ऐसे ही रिकमेंडेशन अभी का अभी चाहिए तुमको तो चैनल की ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।